के डीएलएड कर रहे सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है ऑफिशियल से। यदि आप इस खबर को सुनकर मे भी रो पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनआईएस ने अपनी वैधता यानी कि वैलिड यानी पढ़ाने का जो लेवल है उसको 8वीं तक ही सीमित कर दी गई है। यानी कि यदि आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 8वीं क्लास तक ही का मान्यता होंगे, 9, 10 के बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते। तो इस चीज़ का जानकारी को कन्फर्मेशन करने के लिए आज अभी अभी जागरण में एक न्यूज़ जाहिर की गई है। तो चलिए उस न्यूज़ की ओर ले चलते हैं आपको, और आपको हम डिटेल बताते। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जागरण में आ चुके हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखे हैं डीएलएड डिप्लोमा धारक अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा सकेंगे। यह बहुत ही बेहतरीन यानी कि बहुत ही बुरी खबर है एनआईएस डीएलएड कर रहे हैं शिक्षकों के लिए कि उनका जो है मान्यता सिर्फ नीचे क्लास तक ही रहेंगे। तो आइए जानते हैं पूरा मामला और देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें न्यूज़ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं डीएलएड डिप्लोमा धारक अब 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने डीएलएड कोर्स को 8वीं कक्षा तक के लिए अपग्रेड करते हुए 4 भाषाई विकल्प बढ़ा दिए हैं। बोर्ड प्रशासन ने अब हिंदी अंग्रेजी को अनिवार्य विषय कर दिए हैं, वहीं संस्कृत उर्दू पंजाबी को वैकल्पिक विषयों के तौर पर जोड़ा गया है। यानी कि कहा जा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश जो है एकदम कंपलसरी अनिवार्य सब्जेक्ट में रख दिया गया, और ऑप्शनल में संस्कृत उर्दू पंजाबी इसको रखी गई है। उसके बाद आगे लिखें इनमें से एक विषय लेने पर उम्मीदवार को भाषा विषय को भी पास करना अनिवार्य कर दिया है ताकि वे 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा सके। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने इस बदलाव की पुष्टि की है कि उन्होंने कहा कि चालू सत्र से ही यह नया बदलाव लागू किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में डीएलएड डिप्लोमा धारक भी 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के योग्य बन सकेंगे। बता दें कि प्रदेश में अभी तक डीएड वे डीएलएड डिग्री धारक उम्मीदवारों को प्राइमरी टीचर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट जो है आगे लिखे हुए आने वाले समय में यदि आपको मार्कशीट गुम हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी नेशनल डिजिटल कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है और नेशनल डिजिटल लॉकर की सुविधा परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस सुविधा के शुरू होने से बोर्ड प्रशासन 10वीं एवं 12वीं कक्षा के सभी प्रमाण पत्र इस लॉकर में अपडेट कर देंगे। ऐसे में कोई भी छात्र इस लॉकर की मदद से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवा सकेंगे। यानी कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो सबसे खास बात थी कि यहाँ पर जैसे कि आपको भी लग रहे होंगे और आपके भी मन में क्वेश्चन होंगे कि यदि हम डीएलएड कर लेते हैं तो 10 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसी बात नहीं। आप सिर्फ जो है आप 8 क्लास तक के ही बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा के हाई लेवल के लिए बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते। यह भी पुष्टि जो है इस जागरण की न्यूज़ से ही पता चल गई। यदि आप इसी टाइप का न्यूज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर हमें लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।